हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल को लेकर बड़ी अपडेट है, जरूरी अपडेट है, खासतौर पर जो लोग इंडिया से सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और तवक्कलना को लेकर परेशान हैं, तो उनके लिए जीएसीए की तरफ से अपडेट है। इसके अलावा इंडिया सऊदी फ्लाइट की बुकिंग को लेकर अपडेट है। साथ में इंग्लैंड में 10 दिन क्वारंटीन को लेकर भारत में काफी इस समय बवाल हो गया है। इसके अलावा 5 लाख लोगों को इंडिया फ्री वीजा जारी करने जा रहा है और यूएसए फ्लाइट को लेकर अपडेट है, सिंगापुर फ्लाइट को लेकर अपडेट है और नाइजीरिया फ्लाइट को लेकर अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप फ्लाइट और ट्रेवल की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहली अपडेट दोस्तों सऊदी अरब के तवक्कलना एप्लीकेशन को लेकर है। तो अभी जो भी लोग इंडिया से सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करते हैं वाया दुबई होकर या वाया ओमान होकर या वाया बहरीन होकर या वाया मालदीव होकर या वाया और किसी देश से सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करते हैं, उनका तवक्कलना अगर नहीं बना होता है तो वो लोग परेशान होते हैं कि वो सऊदी अरब में भी 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेंगे। जबकि पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब से बाहर के लोगों का तवक्कलना नहीं बन पा रहा है। इसको लेकर सऊदी अरब के जीएसीए की तरफ से सभी एयरलाइंस को एक सर्कुलर जारी किया गया है कि बोर्डिंग से पहले, पैसेंजर के बोर्डिंग से पहले आप किस तरह से उनका हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे, उनका इम्यून किस तरीके से आप चेक करेंगे। इसके बारे में जीएसीए की तरफ से साफ बताया गया है कि बोर्डिंग से पहले आप 2 तरह से उनका हेल्थ स्टेटस, उनका इम्यून स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहला, उनके पास या तो फिर तवक्कलना हो और तवक्कलना पर उनका हेल्थ स्टेटस इम्यून हो। अगर तवक्कलना नहीं है तो उनका जो मुकीम पोर्टल पर अराइवल का रजिस्ट्रेशन होता है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स पे, अगर उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है तो भी वो इम्यून माने जाएंगे। मतलब अगर आपने ई सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अपना सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो अप्रूव्ड हो गया है, सक्सेसफुल अप्रूव्ड हो गया है और सऊदी अरब ट्रेवल करने से 72 घंटे पहले जब आप मुकीम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैक्सीनेटेड वाले कॉलम में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं अराइवल का, तो वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वही काफी है सऊदी अरब ट्रेवल करने के लिए, आपको अपने आप को इम्यून शो करने के लिए। मतलब साफ है कि अगर आपके पास तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं है, तवक्कलना आपका ओपन नहीं हो रहा है, तवक्कलना पर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है, तो सऊदी अरब ट्रेवल करने के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका मुकीम पोर्टल पर वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स पे या आपका अगर नया वीजा है तो वैक्सीनेटेड विजिटर पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वही रजिस्ट्रेशन आपके लिए काफी होगा सऊदी अरब ट्रेवल करने के लिए। तो ये हो गया तवक्कलना को लेकर, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हालांकि इससे पहले भी लोग इसी तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं जिनका तवक्कलना नहीं बना हुआ, लेकिन अब जब जीएसीए की तरफ से इसके बारे में सभी एयरलाइंस को सर्कुलर जारी कर दिया गया है, सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिया गया है, तब अब आपको और ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तवक्कलना को लेकर। बहरहाल दोस्तों, इंडिया सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर बात करें तो इंडिया और सऊदी अरब के विदेश मंत्री के दरमियान इसको लेकर पिछले दिनों बात हुई है और उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइटें जल्द से जल्द शुरू हो सकती है इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट, उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवाकर डायरेक्ट सऊदी अरब जाने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल जो भी लोग सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर छुट्टी पर आए हुए हैं उनके लिए एयर इंडिया की कई सारी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक तिरुवनंतपुरम से रियाद के लिए फ्लाइटें ऑपरेट होंगी, इसकी बुकिंग भी ओपन कर दी गई है। इसके अलावा हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, साथ में कोच्ची से, कन्नूर से और भी कुछ एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। टिकट 20 से 22,000 के दरमियान है। तो जो लोग सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं वो डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी लोग थोड़ा इंतजार करें, कुछ दिन और इंतजार करें, इंशाल्लाह फ्लाइटें जल्द शुरू होंगी उनके लिए भी। अगली अपडेट दोस्तों भारत में टूरिस्ट वीजा को लेकर है। तो जैसे जैसे भारत में कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर हालात में सुधार हो रहे हैं, वैसे वैसे भारत में नॉर्मल तरीके से चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। तो अब भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगले 10 दिनों के अंदर भारत टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर देगा और शुरुआत में 5 लाख लोगों को फ्री में टूरिस्ट वीजा जारी किया जाएगा। कोई चार्ज उनसे टूरिस्ट वीजा का नहीं लिया जाएगा इंडिया ट्रेवल करने पर, यानी 5 लाख लोगों को शुरुआत में भारत सरकार
फ्री में टूरिस्ट वीजा जारी करने जा रही है। साथ में जब भारत सरकार टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर देगी तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइटों पर हर महीने पाबंदी बढ़ जाती है वो शायद अक्टूबर से पाबंदी हट भी सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो बहरहाल जो भी विदेशी भारत में अब ट्रेवल करना चाहते हैं तो अगले 10 दिनों के अंदर भारत सरकार, भारत का पर्यटन मंत्रालय उनके लिए टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू कर देगा। अगली अपडेट दोस्तों इंग्लैंड को लेकर है। तो इंग्लैंड ने क्वारंटीन को लेकर नया नियम बनाया है जिसकी वजह से भारत में काफी हंगामा हो गया है। इंग्लैंड ने नया नियम ये बनाया है कि अगर आप भारत से इंग्लैंड के लिए ट्रेवल करते हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपको इंग्लैंड में 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा और पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी ले जानी होगी। हालांकि इंग्लैंड ने इससे पहले 4 अक्टूबर से आने वाले लोगों के लिए, यानी जो भी लोग फुली वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं वो इंग्लैंड में क्वारंटीन नहीं रहेंगे, लेकिन अब इंग्लैंड ने रूस, जॉर्डन, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा इसमें इंडिया को भी शामिल कर लिया है। अगर यहां के लोग वैक्सीनेटेड होकर भी इंग्लैंड के लिए ट्रेवल करते हैं तो भी उन्हें 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इसको लेकर भारत में कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया है कि ये किस तरीके का नियम है कि इंडिया के लोग अगर वैक्सीनेटेड होकर इंग्लैंड के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्हें 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा, क्या ये इंडिया के साथ में भेदभाव नहीं है, इस पर सरकार को बात करनी चाहिए इंग्लैंड के साथ में। इंडिया के साथ साथ इस फैसले का विरोध इंग्लैंड में भी हो रहा है। इंग्लैंड में भी कई सारे लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इंग्लैंड के उद्यान विशेषज्ञ जो है एलेक्स मार्कियस, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड के इस फैसले से वो नाखुश हैं। ये किस तरीके का फैसला है? बहुत ही अजीब फैसला है कि ब्रिटेन ने उन देशों के लिए भी यह नियम लागू किया जहां के लोगों को वही वैक्सीन लगाई जा रही है जो ब्रितानी लोगों को, जैसे फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना वगैरह वगैरह। एलेक्स ने लिखा है कि ब्रिटेन की नई ट्रेवल पॉलिसी गैर जरूरी ढंग से जटिल बना दी गई है। इस तमाम आलोचना के बाद, तमाम विरोध के बाद इंग्लैंड की सरकार ने इस फैसले पर रिव्यू करने का फैसला किया है, यानी इस फैसले पर पुनः विचार किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या फिर दोबारा फैसला लेती है इंग्लैंड की गवर्नमेंट ये 10 दिन क्वारंटीन को लेकर। अगली अपडेट इंडिया नाइजीरिया फ्लाइट को लेकर है। तो नाइजीरिया ने भारत से फ्लाइट से पाबंदी हटा ली है। कौन कौन से लोग ट्रेवल करेंगे, किनको परमिशन होगी जाने के लिए, क्या कुछ गाइडलाइन आएगी वैक्सीन को लेकर या इसके अलावा पीसीआर टेस्ट को लेकर, ये सारी डिटेल्स अभी आने बाकी है। ये न्यूज़ आई है कि नाइजीरिया ने इंडिया से ट्रेवल बैन हटा लिया है फ्लाइट से। और अगली अपडेट यूएसए को लेकर है। तो यूएसए में अभी कई सारी बंदिशें हैं, कई सारी पाबंदियां हैं। कुछ देश वाले जा पा रहे हैं, कुछ देश वाले नहीं जा पा रहे हैं। वीजा को लेकर कई सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन अब यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से फैसला हुआ है कि नवंबर से फुली वैक्सीनेटेड वालों को यूएसए में एंट्री के लिए अलाउड किया जाएगा। यानी नवंबर से यूएसए नॉर्मल तरीके से फ्लाइट ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि नवंबर से फुली वैक्सीनेटेड वालों को अलाउड किया जाएगा यूएसए में। और अगली अपडेट इंडिया सिंगापुर फ्लाइट को लेकर है। तो एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो भी लोग एलिजिबल हैं सिंगापुर ट्रेवल करने के लिए उन्हें 48 घंटे के अंदर अपना पीसीआर टेस्ट कराना होगा, उसकी रिपोर्ट रखनी होगी सिंगापुर ट्रेवल करने के लिए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि सिंगापुर इंडिया से ट्रेवल करने वालों को अपना निगेटिव कोविड 19 का सर्टिफिकेट 48 घंटे के अंदर ही कराना होगा डिपार्चर से। तो ये दोस्तों फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट थी। आगे और कोई अपडेट होगी, जरूरी अपडेट होगी, आपके काम की अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।